दोस्तों, मैं राम कुमार यादव अपने YouTube चैनल हास्पी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया था, मैं आपको सॉलिड स्टेट, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल्स, इनके बारे में सारे टॉपिक्स को दोस्तों आपको मैं कवर करा चुका हूँ। सर, आपको अपने पुराने वीडियोज में आपको बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। तो दोस्तों, इन टॉपिक्स से रिलेटेड यदि आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चंस है, तो आप जरूर मेरे पुराने वीडियोस को देखिए। दोस्तों, आज दोस्तों हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। हाँ दोस्तों, क्या टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यानी कि हिंदी में कहेंगे से इकाई कोशिका के प्रकार, यानी इकाई कोशिका हमारी या यूनिट सेल है वो कितने तरह की हो सकती है, कितने प्रकार की हो सकती है, इसके बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो हमारी यूनिट सेल है, इकाई कोशिका है, वो दो तरीके की हो सकती हैं, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा सेंट्रल यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल है दोस्तों, उसको हम आदिम इकाई कोशिका भी कह सकते हैं, और सेंट्रल जो यूनिट सेल है उसको केंद्रित इकाई कोशिका भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पहले प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? प्रिमिटिव यूनिट सेल, यानी हिंदी में कहेंगे इसे आद्य इकाई कोशिका। क्या दोस्तों? आद्य इकाई कोशिका, जैसे दोस्तों इसके नाम से पता चल रहा है, आद्य। आद्य मतलब दोस्तों पुराना, यानी कि सबसे जो पुराना टाइप का या सबसे जो आसान टाइप का या सबसे कॉमन टाइप का जो हमारा यूनिट सेल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा नाम है प्रिमिटिव यूनिट सेल या आद्य इकाई कोशिका, ये एक ऐसी विशेष प्रकार की कोशिका है जिसमें की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं, क्या दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, वो हमेशा उस यूनिट सेल के कॉर्नर्स प्रेजेंट रहेंगे। दोस्तों, कोई भी जो हमारा क्यूबिक यूनिट सेल होगा उसके कितने कॉर्नर होंगे दोस्तों? टोटल 8 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से दोस्तों आद्य इकाई कोशिका में जो हमारे क्यूबिक यूनिट सेल है उसके 8वां कॉर्नर पर जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। तो इस तरह से दोस्तों कोई भी ऐसी हमारी यूनिट सेल्स जिसके प्रत्येक कोने पर, केवल दोस्तों कहां पर ये ध्यान रखिएगा, प्रत्येक कॉर्नर पर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे वो हमारे क्या कहलाएगा? आद्य इकाई कोशिका कहलाएगा या प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाएगा। यही दोस्तों मैंने आपको डेफिनेशन लिखा है, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशंस। इस तरह से जो कॉर्नर पोजीशंस हैं उस पर अगर आपके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे तो दोस्तों हमारी क्या कहलाएगी? वो आद्य इकाई कोशिका कहलाए। दोस्तों, एक आगे बहुत ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमारी आद्य इकाई कोशिका है इससे मिलकर के किसी भी क्रिस्टल लैटिस का यानी कि क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा, उस समय दोस्तों जो हर एक एटम है वो कॉर्नर्स के शेयर रहेगा एक एडजेंट यूनिट सेल्स के साथ में। यानी कि दोस्तों हर एक एक कॉर्नर से दूसरे हमारे यूनिट सेल्स के 8 अलग अलग सेल्स जुड़े हुए रहेंगे। दैट मीन्स दोस्तों हर एक जो कॉर्नर्स पर यूनिट सेल्स का जो पार्टिसिपेशन होगा कितना होगा? 1/8 होगा। इसलिए दोस्तों अगर आधे काई टाइप की कोई कोशिका है तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकलेंगे वो किस तरह से निकलेंगे? 8 × 1/8। 8 तो दोस्तों कॉर्नर्स हो गए और हर एक कॉर्नर्स कितना पार्टिसिपेट करता है? ओनली 1/8 पार्ट। इसलिए दोस्तों टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? कभी कभी दोस्तों ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो हमारी आधे काई कोशिका है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो दोस्तों उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 8 × 1/8। 8 क्या है दोस्तों? यहाँ पर नंबर ऑफ कॉर्नर्स है, और 1/8 क्या है दोस्तों? जो हमारे एक कॉर्नर्स पर एटम्स हमारा जो पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आद्य इकाई कोशिका में या प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे दोस्तों वो कितने होंगे? 1 होगा। इस तरह से दोस्तों ये हमने पढ़ा प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब आगे दोस्तों पढ़ेंगे हम सेंट्रल यूनिट